सीधे आपको लेकर चलते हैं। राज्यसभा गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे हैं, आपराधिक कानून के नए युग की शुरुआत होगी, उन्होंने कहा है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन प्रक्रिया से अलग रहकर ये अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको और अंत में जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश एक कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के मानेवर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते, वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। माननीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय न्याय संहिता ने भी सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शन, 39 नए सब सेक्शन जुड़े हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है। मान्यवर इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ मान्यवर 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने 170 धाराएं अब होगी 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराओं को निरस्त किया है। माननीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सारे लोग बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 से इस कानून को बनाने की हमने शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है, मैं बाद में इस पर आता हूं। मगर आज जो कह रहे हैं कि क्यों ला रहे हो, मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं, ये वो है नहीं, मगर मुझे भरोसा है वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं। माननीय इसलिए वो नहीं है तो भी जवाब देता हूं, आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। माननीय मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे और आज